है तेरे दिल को पता। अम्मो प्लीज मुझे फोर्स मत कर, मैंने नहीं जाना है आपके साथ। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे बगैर मैं नहीं जाऊंगी। क्यों जिद कर रही हैं आप? क्या हो गया अम्मो आपको? वो हस्बैंड है आपके, उनका पूरा हक है आप पर चली जाए उनके साथ। मैं नहीं जानती कि मेरा किस पे हक है और किस पे नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी, बस। आप वहां रहकर भी तो अपना फर्ज पूरा कर सकती हैं ना। अच्छा रोज मुझसे मिलने आ जाइएगा, ठीक है? मुझे कहीं जाना हो तो मेरे साथ चल लीजिएगा, सुबह शाम मुझे कॉल्स कर लीजिएगा, बस। नहीं जाना चाहती तो ठीक है, मैं मना कर देती हूँ फारूक। अब वो मेरी वजह से क्यों रिश्ता खराब कर रही है अपना? मैं जानती हूँ अभी अगर वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए राजी हुए भी है ना, तो जबरदस्ती हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं आप मेरे बगैर नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। फारूक ने अपनी खुशी से मुझे कहा है कि वो हम दोनों को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। क्यों अपनी परेशानियां बढ़ा रही हैं? नहीं जाना ना तुम्हें? ठीक है, मैं फारूक से कह देती हूँ कि आज के बाद कभी ना आए मुझे लेने के लिए। अम्मो ने हमेशा मेरे लिए कुर्बानियां दी और आज मेरी वजह से उनका घर बर्बाद हो रहा है, तो क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती? जीत गई आप, चल रही हूं मैं आपके साथ, बस। सच्ची? जल्दी से पैकिंग करो, फारूक को बता के आती हूँ। ये बेटियां भी बड़ी अजीब होती हैं बेटा, प्यार भी इतना करती हैं और छोड़ के चली जाती हैं। तो मत जाने दिया करें, दुनिया का दस्तूर है बेटा, तुम भी तो छोड़ के जाके मुझे। जी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, बता चुकी हूँ मैं। हाँ बेटा, लेकिन मैं ना चाहते भी मुझे तुम्हें रुख्सत करना ही है मेरा पास। अपनी जिंदगी में तुम दोनों को अपने अपने घरों में हंसता बसता देखना चाहता हूँ। वैसे क्या जादू किया है तुमने इस पर? जादू का तो पता नहीं, लेकिन मोहब्बत हो गई। मोहब्बत? अभी तो ऐसे ही लगता है। लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लगा तो हमारा प्लान बिगड़ सकता है। इसको देखे ना आप, कितनी खुश है। हाँ बहुत खुश है वो यहाँ आके। मैं थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, क्या याद करोगे तुम भी, किससे पाला पड़ा है तुम्हारा। बहुत लड़कियों से मिला हूँ जिंदगी में, लेकिन जिसमें बात है ना किसी और में नहीं। तरबियत किसकी है? अरे बचपन से मेरे साथ जो है। इसी बात की तो हैरत है मुझे। शट अप। वैसे आप कब तक इसी तरह से तनहा जिंदगी गुजारते रहेंगे?
जिसे मैं पसंद करती हूँ वो तो लिफ्ट ही नहीं करवाता मुझे। वैसे बड़ा ही कोई बदनसीब और बदजौक किस्म का इंसान है, वैसे है कौन? है तो वैसे बहुत बदजौक, लेकिन तुम फिक्र मत करो, रायना जो सोच लेती है ना फिर वो करती भी है। अब मैं गुड लक। और अब तो लगता है कि मंजिल काफी करीब है। फारूक के मुंह से लग रहा है कि उमैमा में और फारूक में इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। यही रहना चाहती थी बाबा, हमेशा आपके हाथों के साथ। मैं क्या करूं, मजबूरी। अनुषा, अनुषा, बेटा मैंने सारा सामान ना गाड़ी में रखवा दिया। चलो फारूक इंतजार कर रहे हैं, देर हो गई है बहुत। क्यों फिक्र करती हूँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा।
जी आर्य साहब, बाबा आ गए? अच्छा चलिए ठीक है, वो आते हैं तो मुझे बताइए। दोनों अकेली रह रही, पता नहीं किन मसाइल का सामना होगा। किसी एक मर्द की तो मौजूदगी जरूरी होती है घर में, और पापा अपनी जिद पर लड़े। कहाँ चले गए बताया भी नहीं मुझे, और फोन भी नहीं रिसीव कर रहे। पता नहीं अनुषा और आंटी कैसी है, मुझे जाना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा मुनासिब नहीं होगा जाना, फोन कर लेता। वालेकुम अस्सलाम। अनेक्सी की सफाई करवा दी थी ना? जी साहब करवा दी है। बस ये आज से अनुषे वहाँ पे रहेंगी, अगर कुछ चाहिए हो तो मामा से पूछ लेना। जी ठीक है, मैं काम देख लूँ। हाँ जाओ। थैंक यू अंकल। ये अच्छा किया अम्मू आप, मुझे वैसे भी थोड़ा अलग ही रहना था सबसे। और मेरा मंशा ये था कि तुम मेरी नजरों के सामने रहो। फराज जी मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ और बाबा को बता देना। जी बिल्कुल, और मुझे थोड़ी देर लग जाएगी वहाँ पे, तो मैं वापस नहीं आऊंगा। ओके बस छोटा मोटा जो जल्दबाजी में कर सका आप लोगों के लिए मैंने ये सब तैयारियां की। आई होप यू गाइस लाइक इट। अब फारूक का फोन है। क्या बाबा का? अब डोंट वरी, मैं आई टेक केयर, तुम एंजॉय करो। तो ऐसे घबरा रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया, तुम्हारे अबू ही तो हैं। हाँ लेकिन फिर भी। हाँ फारूक आ रहा है ना, युसरा कहाँ है? मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रही है? वो दरअसल अपनी फ्रेंड्स के साथ है, वो लोग म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, तो बहुत म्यूजिक लाउड है, तो उसको शायद आवाज नहीं आई है। मैं थोड़ा साइड पे बैठी थी इसलिए मुझे बेल की आवाज आ गई। कितने लोग हैं वहाँ? सारी फ्रेंड्स हैं और उनके कुछ फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, जैसे ही वो फ्री हो उससे मेरी बात करो। हाँ हाँ श्योर। और सुबह जल्दी वापस आ जा। फारूक दरअसल इन लड़कियों ने ना सुबह ब्रेकफास्ट का पूरा इंतजाम किया हुआ है, और तुम्हें पता है सब लड़कियां हैं, पूरी रात जागेंगी, सुबह लेट उठेंगी, तो मैं फिर उसके बाद ही निकल सकूंगी। फिर भी सुबह जल्दी वापस आने की कोशिश कर। रायना सच पूछो तो मैं युसरा को भेजकर कोई कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, कोशिश करो सुबह जल्दी वापस आ। अरे डोंट वरी फारूक, कैसी बातें कर रहे हो, मैं हूं ना उसके साथ, और मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए कितनी अजीज है। स्टूपिड, हर वक्त अपनी बेटी की पड़ी रहती है। अरे कभी मेरी भी खैरियत पूछ लिया करो, मैं कोई चौकीदार थोड़ी हूं तुम्हारी बेटी की। हारिस क्या हुआ भाई, तुम्हारा तो कोई प्लान नहीं था आउटिंग का? जी प्लान था पर कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता है रूमी कह रही थी कि तुम बहुत बोर हो, जब भी कोई प्लान बनाती है तुम मना कर देते हो। सच में यहाँ आकर बोर ही हो गया हूँ, सोचा था यहाँ आऊंगा तो कुछ चेंज होगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं भुला पा रहा हूँ, बल्कि उल्टा तकलीफ में आ गया। देखो बेटा, जख्मों को जितना घुरे दो ना उतनी ही तकलीफ होती है। मैं खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ।
नहीं दिल लग रहा है यहाँ पे, बोर हो गया हूँ, हम वापस चले। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ। अब तो तुम्हारी शादी करने के बाद ही जाएंगे हम लोग यहाँ से। मुझे यहाँ शादी नहीं करनी है। तो क्या वापस जाकर उस बदतमीज और खुद से लड़की अनुषा से शादी करनी है? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक उसका भूत तुम्हारे सर पर सवार है। अम्मी प्लीज उसका नाम ना ले मेरे सामने, मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता। अच्छा अच्छा ठीक है काम डाउन। हाँ नहीं करती मैं उसका जिक्र। देखो फिर हम ऐसा करते हैं कि अभी इंगेजमेंट कर देते हैं और कुछ महीनों बाद आके तुम्हारी शादी कर लेंगे। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा ना मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, अगर आप ज्यादा फोर्स करेंगे मैं शादी नहीं करूंगा। हारिस तुम अच्छी तरह से जानते हो ना बेटा, तुम्हारी शादी का कितना शौक है। तुम मेरी इकलौती औलाद हो बेटा, प्लीज इस तरह से मत करो। आखिर कब करोगे तुम शादी बेटा? तुमने हाँ की थी ना। मैंने शादी से इनकार कब किया है? बस थोड़ा सा वक्त मांगना, मुझे वक्त दे दे थोड़ा सा। चलो ठीक है, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। और हाँ मैं टिकट्स कंफर्म कर रहा हूँ। लेकिन बेटा प्लीज तुम नेक्स्ट मंथ की बुकिंग कराना, कुछ काम निपटाने मुझे यहाँ पर, उसके बाद चलेंगे। और हाँ बाहर आ जाओ, सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। नहीं याद भी करेंगे, नहीं याद ये भी रहता, मेरे साथ रह रहा है तेरा हम। ये कहाँ ले आई जिंदगी मुझे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह घर से बेघर होना पड़ेगा और दूसरों पर बोझ बनकर रहना पड़ेगा। अनुषा ये मैं क्या देख रहा हूं? इसका मतलब है बाबा आंटी को घर ले आए हैं। अनुषा हेलो। हेलो, what a pleasant surprise, sir. कब आए? दिन में। बाबा के साथ? अच्छा। पता है मैं तो बहुत परेशान हो गया था जब से तुम लोग, मेरा मतलब कि इसलिए परेशान था कि तुम लोग वहां अकेले हो ना। बैठो। मैं तो रह रही थी अम्मू के बगैर भी, बस वही परेशान हो रही थी। इंसान तो तुम बहुत बहादुर लड़की हो, और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि जो लड़कियां दब जाती हैं डर जाती हैं उन्हें दुनिया कुचल देती है। मगर आपके घर वालों की सोच तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। समझ सकता हूँ तुम्हारा किस तरफ इशारा, लेकिन हम अपनी सोच को दूसरों पे इस तरह मुसल्लत नहीं कर सकते, उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता मेरा ये जरूर ख्याल है कि जो कुछ भी तुमने किया वो बिल्कुल ठीक किया और ऐसा ही होना चाहिए। थैंक्स। बाहर बैठी जो आओ ना, कुछ देर फ्रेश एयर लेना चाहती हूँ। आप जाए रिलैक्स कर, ऑफिस में काफी थकान हो जाती है वैसे। गुड नाइट। अनुषा जी मुझे तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। प्यार तो करते हैं, मिलते भी छोड़ते हैं, प्यार मोहब्बत के ये टुकड़े हैं, इश्क कहानी में इश्क नादानी में दिल की उदासी वाले टुकड़े हैं।
अनुषा कहाँ है? खाने भी नहीं आई। नहीं, वो नसरीन के हाथ उसे खाना भिजवा दिया था। तुम मेहमान थोड़ी है, हमारे घर में रह रही है, लेकिन हमारे साथ खाना तो खा सकती है ना। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मेहमान है उसका ख्याल रखने के लिए। वो इस घर में मेहमान ही है, पर जिंदगी रहने के लिए नहीं आई। तो बस वैसे पूछ रहा था। हाँ फारूक, वो ग्रोसरी खत्म हो गई है। तो कौसर के साथ जाके ले आओ। युसरा कहाँ है, बात हुई उससे? आप? मैंने फोन किया था लेकिन उससे बात नहीं हो सकी, दोस्तों के साथ बिजी थी, लेकिन आना से बात हुई थी मेरी। सुबह तक तो आ जाएगी ना? दोपहर तक आ जाएगी। परमिशन आपने दे दी है, लेकिन मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि वो रात बाहर गुजारे घर से। पहली बार उसने मुझसे परमिशन मांगी थी। अच्छा है, दोस्तों की गैदरिंग में एंजॉय कर लेगी। लेकिन हमदान की बात भी तो गलत नहीं है ना, जवान लड़की है, नहीं मतलब जाए बाहर एंजॉय करे, लेकिन रात को घर वापस आ जाए तो बेहतर है। मेरा ख्याल है कि आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसे, तो किसी ऐसी वैसी लड़की से दोस्ती नहीं करेगी। कैसे नाम था मेरी बेटी, इतनी उदास जो है। मामा मुझे छोड़ के कहीं मत जाइएगा, प्लीज कहीं मत जाइएगा। आपको नहीं पता आप क्या गए, सबने हमारा साथ छोड़ दी। बाबा नहीं नहीं नहीं, बाबा 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 नहीं, मामा मामा प्लीज आ जाए, मामा प्लीज आ जाए, प्लीज आ जाए, प्लीज मत जाए मामा, दो मिनट के लिए आ जाए, मुझे बात करनी, दो मिनट में आ जाए मामा, प्लीज आ जाए बाबा। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है बाबा, मुझे सजा मत दे इतनी बड़ी, लेकिन प्लीज आ जाए बाबा, प्लीज आ जाए। नसरीन जी, साहब जी, अनुषा को कौन सा कमरा दिया? जी वो एनेक्सी में है। एनेक्सी में? जी। फिर एनेक्सी में क्यों, इतने कमरे खाली तो हैं घर में? पता नहीं साहब जी, उनके आने से पहले बड़े साहब जी का फोन आया था, उन्होंने कौसर को कहा था कि एनेक्सी की सफाई करवा दो, कुछ जरूरी सामान रखवा दो। कितनी संदेह हुआ तुम, कितनी आसानी से मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। अरे
आपको छोड़ने का फैसला नहीं था, खुद को जीते जी मारने का फैसला था। कभी कभी फर्ज के आगे मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ती है फारूक। मैंने अपनी मरहूम भाभी से वादा किया था कि अनुषा पे आंच नहीं आने दूंगी, सारी जिंदगी उसका ख्याल रखूंगी। हर कोई अपनी जगह पर मजबूर था, तुम अपने फर्ज के आगे और मैं अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर। तुम्हारी एक आवाज पर मैं दौड़ा चला आया, सब कुछ भूल गया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मोहब्बत में एहसान नहीं होता, मोहब्बत तो सिर्फ मोहब्बत होती है। जिससे आप प्यार करते हैं उसे खुश देखकर आपको तस्कीन मिलती है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ फारूक, यकीन कीजिए आपके बिना बीते दिन और रात मुझ पे कयामत बन के गुजरे हैं। वादा करूं मुझसे कि आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। कभी नहीं, वादा। अच्छा तभी वो बाहर बैठे थे और मेरे बुलाने पर भी अंदर में। बाबा ने ये ठीक नहीं किया, जब उसे घर ले ही आए तो खैरियत का एहसास क्यों दिलाया? शायद बाबा का दिल कभी भी उसकी तरफ से साफ नहीं होगा। बाबा आंटी को घर ले आए हैं। और अनुषा? वो भी उनके साथ है। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है तुमने। नहीं, मुझे एक बात की हैरत हो रही है। वो क्या? वो जबकि घर के अंदर कमरा खाली है, जगह है, उसको बाहर एनेक्सी में रखा है। क्या? मगर क्यों? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो पूछो अपने बाबा से यार। नहीं यार, उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ भी अनुषा के बारे में पूछूं उनसे। लेकिन आंटी से बात करूंगा। हाँ हाँ पूछो यार, पूछना चाहिए तुम्हें। तुम यहां इतनी जल्दी उठ गए? सारी रात नींद ही नहीं आई। क्यों? पता नहीं, तुम्हारे प्यार में ऐसा क्या जादू है कि मेरे तो होश ही उड़ गए। सारी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मेरे बारे में क्या? बस सारी रात ये दुआ करता रहा कि ये रात ना गुजरे, क्योंकि ये रात गुजर गई तो तुम चली जाओगे। दुआ भी ऐसी मांगी जो पूरी होना मुमकिन ही नहीं। एक दिन और रुक जाओ। रुकने का नहीं, अभी जाने का टाइम है मिस्टर नदीम। लेकिन दिल तो नहीं भरा ना? मैं तुम्हारे साथ हमेशा इस तरह तो नहीं रह सकती ना। एक दिन और रुक जाओ प्लीज। इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल से एक रात की परमिशन मिली है, बाबा वापस परमिशन नहीं देंगे। तो तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे तुम मेरी हो जाओ, मेरी बन जाओ। तुम अपने पेरेंट्स को भेजो मेरे बाबा के पास। डन, मैं जल्द से जल्द उनको तुम्हारे घर भेजता हूँ। हाँ जी नसरीन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आराम से सो गई थी, डर तो नहीं लगा? मुझे किसी चीज से डर लगता है? मुझे पता है, बहुत स्ट्रांग हो तुम। बस ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू नसरीन। चलो नाश्ता करें।
मेरे साथ नाश्ता करेंगे? हाँ, कोई इतराज है तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब कि अंकल के साथ नहीं करेंगे? सुबह उनके साथ थोड़ा सा खा लिया था मैंने, जल्दी जाना था ना ऑफिस। अच्छा अम्मू, मुझे आज घर जाना होगा। क्यों? वो गाड़ी यहाँ लेकर आनी, जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है ना, तो गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। अरे गाड़ी कैसे लेके जाओगी, उसकी तो सर्विस भी नहीं हुई भी, और अभी तक तो बैटरी भी डाउन हो चुकी होगी। हाँ तो इसलिए तो आज जाना है, पहले सर्विस ले दूंगी और फिर वही लोग चार्ज भी कर देंगे बैटरी। चलो इधर आओ बैठो। ये सारे तुम्हारे करने के काम थोड़ी है, ड्राइवर को कहेंगे वो लेके जाएगा और सर्विस करा के तुम्हारे लिए है। यूसरा, फारूक का फोन है, बात करो। बाबा वाह, हेलो यूसरा। बेटा रात से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं पिक कर रही तुम? वो बाबा, हम सब फ्रेंड्स रात में गेम खेलते रहे, पता ही नहीं चला, और फिर बाबी क्यों भी किया था ना, तो पता ही नहीं चला आपकी कॉल कब आई। कुछ भी था बेटा, आपको कॉल तो रिसीव करनी चाहिए थी। या राइट, आई एम सॉरी बाबा। ठीक है, अब कुछ भी है जल्दी से वहां से निकलो और बताओ मुझे। अब ठीक है, बस हम लोग अभी निकल रहे हैं। ओके बाय। ठीक है। आंटी हमें अभी निकलना होगा। लंच कर लेते हैं, उसके बाद चले जाना। आई विश हम रुक सकते, लेकिन बाबा से प्रॉमिस किया था सुबह का, तो फिर। अरे तुम लोग इस तरह से नहीं जा सकते, रुको ना प्लीज। नहीं नहीं, लेट हो जाएगा, क्योंकि अगर आज लेट हो गया तो नेक्स्ट टाइम परमिशन नहीं मिलेगी। शी इज राइट। लेकिन मैं नहीं चाहता अभी जाए, रहना प्लीज, कोशिश करके देखे ना। अगर इतनी अच्छी लगी है ना, तो अपने पेरेंट्स को भेजो और इसको हमेशा के लिए अपना बनाओ। वो तो मैं बनाऊ। मैं बैग लेके आती हूँ। नहीं तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। Are you sure? Okay. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस नहीं गए? नहीं, वो फैक्ट्री विजिट था, तो सोचा थोड़ी देर में जाऊंगा। कोई काम था मुझसे? जी, आप अनुषा को ले तो आई हैं, लेकिन वो बाहर नेक्सी में रखी हुई। कम से कम मेरी नजरों के सामने तो है। यानी कि ये बाबा की तजवीज है। हमदान, तुम इस मामले में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। तुम्हारे बाबा को पसंद नहीं है कि तुम अनुषे में इतना इंटरेस्ट लो। ये आपका घर है और वो आपकी भतीजी है, तो उसका भी कोई हक बनता है ना। ये अच्छा थोड़ी लग रहा कि वो इस तरह बाहर रह रही है। मगर घर के सरबरा तो फारूक है ना, वो जो फैसला करें वो सर आंखों पर। कम अज कम उन्होंने रहने की इजाजत दे दी है, यही बहुत है। सब तो ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि हम सब अंदर घर में रह रहे हैं और वो बाहर मेहमानों की तरह। देखो हमदान प्लीज, मैं नहीं चाहती कि कोई बात हो, ऐसा ना हो फारूक चिढ़ जाए और उसे यहाँ भी रहने की इजाज़त ना मिले। समझ रहे हो ना तुम? बस मैं चाहती हूँ मेरी आंखों के सामने रहे, दैट्स ऑल आई वांट। ठीक, जिसमें आपकी खुशी हो। नाश्ता बनवा दूँ? नसरीन, हमदान भाई का नाश्ता बनाओ, उनके कमरे में भेजो। जल्दी जल्दी किचन में जाओ, मैं आ रही हूँ। अनुषा क्या कर रही हो? कैब चेक कर रही थी बस, देखें। क्यों? ड्राइवर घर के बाहर खड़ा है, उसके साथ जाओ, क्या जरूरत है कैब में जाने की? वो क्या जरूरत है ड्राइवर को भेजने की, वो चली जाऊंगी ना, और कुछ देर घर पे भी रुक जाऊंगी। अब रुकने की क्या जरूरत है? याद नहीं है आपको उस दिन कितना फैलावा हो गया था, कुछ समेट कर भी नहीं आ सके थे हम लोग।
तो मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ, दोनों मिलके समेट लेंगे। अभी ड्राइवर को ले जाना जरूरी है। गाड़ी ठीक करानी है या नहीं? करानी है ना, तो ड्राइवर को लेके जाओ, मैंने उसे सब समझा दिया है। ओके चलें, सही कैंसिल करो। हाँ अच्छा अच्छा, तो ये वजह है जो फारूक ने तुम्हें इतनी आसानी से जाने की इजाजत दे दी। इसे घर जो बुलाना था तुमने, है ना? तुम क्या कर रही हो यहाँ? कैसी हो इसरा? चुप, जो पूछा है ना उसका जवाब तो क्या कर रही हो मेरे घर में? है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल।